अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक लोगों के लिए फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर मैंने ईमान लिख दिया। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी विलादत की तारीख जो है, तारीखी जो आयत बयान की है वो यही आयत है, और आप फरमाते हैं कि अगर मेरा दिल चीर के देख लो तो इंशाल्लाह एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। तो ये सफ़र का महीना, इसमें खुसूसन सैयदी आला हज़रत मुजद्दद दीनो मिल्लत मुजद्दद मियात मादिया व हाजरा इमाम अहमद रज़ा ख़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में मनाया जाता है। आपकी वो हस्ती थी जिसने लोगों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा कूट कूट के डाल दिया। जब आपकी विलादत हुई तो नजदीयत, बद मजहबियत, बेदीनियत, लादीनियत, इसका बड़ा ज़ोर था, बहुत ज़्यादा ज़ोर था। लोगों को हुजूर के इश्क मोहब्बत को शिरक कहा जाता था, हुजूर के ज़िक्र को शिरक कहा जाता था, हुजूर की तज़ीम को शिरक कहा जाता, हुजूर की तौकीर को शिरक कहा जाता, एहतराम को, मदीने के एहतराम को शिरक कहा जाता, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने को शिरक कहा जाता, कसरत से हुजूर के नाम लेने को, इतनी यानी कि आगे बात बढ़ गई, हुजूर के कमालात के इजहार को शिरक कहा जाता, हुजूर के इल्म बयान करने पे शिरक के फतवे लगते, हुजूर के इख्तियारात बयान करने पे शिरक के फतवे लगते, हुजूर के कमालात बयान करने पे शिरक के फतवे लगते, हुजूर से मोहब्बत का इजहार करना मिलाद शरीफ मनाने पे शिरक के फतवे। तो हुजूर की तरह तरह से तौहीद के नाम पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन का एक सिलसिला जारी था, और अंग्रेज़ ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को हायर किया और इस जैसे और बेदीन उसको मिल गए, फिर किताबें लिखवाईं और ये उनको छुपवाया, उनको प्रमोट किया, यहाँ पर भी कुछ बड़े ज़खीर में लोगों को ख़रीदा, प्रमोट किया और उनको मिशन दिया, फिर उनके कोई नज़रियाती चेले बन गए जो ना समझ, जिनको हुजूर से अंदर से उनको मोहब्बत वो नहीं होती। ये सिलसिला बढ़ता रहा, फिर कादियानियत का पौधा लगाया गया। तो ये वो सारा माहौल था। तो इस माहौल के अंदर आपने लोगों के अंदर वो जो उनका ख्वाब था कि हम जनाब बड़े तरीके से और बड़ी महारत से और मेहनत से लोगों से इश्क रसूल की शम्मा छीन लेंगे तौहीद के नाम पर, तो लोगों का ईमान खुद ही छिन जाएगा, लादीनियत आ जाएगी। लेकिन आला हज़रत ने उनका ख्वाब चकना चूर कर दिया और फरमाया किल के रज़ा है खंजरे खून खार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे, ये रज़ा के नेज़े की मार है अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है ये वार वार से। आपने फिर ऐसे दलाइल पेश किए और हुजूर की शान, हुजूर की नातों को शिरक आ जाता जी, हुजूर की नात पढ़ने को भी शिरक। फिर आपने फिर हुजूर की ऐसी फिर फतावा के ज़रिए, नसर के ज़रिए, नज़म के ज़रिए, अमली जदोजहद के ज़रिए किताबें लिख लिख कर हुजूर की उम्मत की हिफाजत, उनके ईमानों की हिफाजत के लिए और हुजूर के दीन की इशात के लिए आपने 1000 के करीब किताबें लिख दी। और सारी ज़िंदगी बचपन से ले कर आखिर तक आपने आखिरी दिन तक अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ की। और ये अल्लाह की तरफ से ख़ास लोग होते हैं। जब कभी फिरौन आता है ना, तो रब मूसा अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों में से कोई ग़ुलाम पैदा फरमा देता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई झलक पैदा फरमा देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी वो बचपन में ही नबी, तो बचपन से ही नबी होता है। तो आप मादरजात वली थे, 4 साल की उम्र में आपने कुरान पाक पढ़ लिया और आपने 13 साल 10 माह की उम्र में आप आलम दीन बन के दरस निज़ामी भी कर लिया, और आप 14 साल की उम्र में आप जो फतवा जो सी का जो मसनद होती है उस पर बैठ गए, 21 साल की उम्र में आपके वालिद ने ये पूरा जो फतावा का जो शोबा था वो आपके हवाले कर दिया, और आप इतने हाफ़े के मजबूत थे कि एक किताब होती है, मसलन कोई भी किताबें होती हैं दरस निज़ामी की, बड़ी बड़ी मुश्किल किताबें होती हैं, अब आपको उनका क्या बताएं। तो बेशुमार किताबें, सैकड़ों किताबें दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती हैं,
तो आपकी ये शान थी, आपने बहुत चंद एक किताबें पूरी पढ़ी हैं, वो भी इब्तदाई। आपने कभी चौथाई हिस्से से ज़्यादा किताब नहीं पढ़ी थी, आप चौथाई पढ़ लेते तो बकिया खुद ही पढ़ के याद कर लिया करते थे, खुद ही समझ लेते थे। इतनी अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से होता है, आम आदमी तो इस तरह नहीं कर सकता। ये अल्लाह की इता है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहे दे दे। आपके जब उस्ताद पढ़ाते ना, वो कहते हैं हमें पढ़ाने में देर लगती है, अहमद रज़ा ख़ान को याद करने में देर नहीं लगती। वो एक दफ़ा पढ़ाते तो पढ़ाने में, फिर समझाने में टाइम लगता है ना, तो आप दूसरी एक निगाह उस पर डालते तो किताब बंद, कहते बेटा पढ़ लो, कहते साज ही याद हो गया। ऐसा हाफ़िज़ा था। तो क्योंकि कुरान पाक से आपका बहुत अलग था, कुरान आपने फतावा जात में बहुत ज़्यादा हवाले देते थे कुरान पाक के ना, तफसीर कुरान पर बड़ी गहरी नज़र थी, तो किसी लोग आपको समझते थे आप हाफिज़ हैं, तो आपको हाफिज़ कह देते। इतना हाफ़िज़े की मिसाल दे रहा हूँ। तो आपने कहा लोग मुझे, उलमा भी मुझे हाफिज़ कह देते हैं, बड़े बड़े लोग कह देते हैं, हाफिज़ तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनकी ज़ुबान गलत साबित हो कि वो हाफिज़ कहते हैं, हकीकत में तो हाफिज़ नहीं हूँ। तो आपने एक महीने के अंदर सिर्फ इशा का वज़ू करके इशा की नमाज़ पढ़नी होती, यानी आधा घंटा लगा लें, तो आप आधे घंटे के अंदर रोज़ पढ़ते तो 30 दिनों में आपने पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। तो ये अब आम आदमी तो इस तरह नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह की अता होती है कि अल्लाह ताला फिर सीने खोल देता है। तो बहरहाल इस मौजू पे आगे भी बोलते रहेंगे। तो आपकी बड़ी बड़ी याददाश्त थी, एक बुज़ुर्ग के पास आप तशरीफ़ ले गए, उनके पास रात रहे, तो एक किताब थी फ़िका की, 800 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। तो आपने कहा कि यह किताब मेरी लाइब्रेरी में नहीं है, तो आप मुझे दे दें तो मैं आपको वहाँ पे पढ़ के आपको वापस भेज दूँगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है हज़ूर, आप ले जाएं। तो आपने वो किताब रखी, तो रात को फिर उधर ही आप रहे। तो आपने सुबह जब बैग बांधने लगे ना, तो आपने वो किताबें 2 जिल्दें थी बाहर रख दी। आपने कहा जी हज़ूर ये रख लें। उन्होंने कहा नहीं, आपने लगता बुरा मान लिया है मेरा, ये मैंने तो कोई ऐसा इरादा नहीं किया, आप ले जाएं वहाँ पर पढ़ के भेज दीजिएगा। फरमाया मैंने रात को पढ़ ली है, रातों रात 800 सफ़ात की किताब पढ़ ली। उन्होंने कहा जी हज़ूर फिर भी ले जाएं, इसे याद भी तो करना है, हवाले देने होंगे। फरमाया कि जब मैं एक दफ़ा किताब पढ़ लेता हूँ 3 महीने तो उसकी पूरी इबारत मिन व अन मुझे याद रहती है, और ज़िंदगी भर फिर उसका जो मफहूम है मेरे जहन से नहीं निकलता। ऐसे आप अल्लाह ताला की तरफ से, फिर अल्लाह ताला जब फिर किसी फ़िरौन को गर्क करना चाहता है ना नमरूद को, फिर इब्राहिम और मूसा पैदा फरमा देता है। जब फिर रब ने फिर कुफर हद से तजावज़ करता है ना, अबू जहल जैसे लोग अपने आप को खुदा समझते हैं, तो रब कायनात फिर मोहम्मद अरबी को भेज देता है। और उसके बाद फिर जब यजीद पैदा होते हैं तो रब हुसैन को, और क़यामत तक जब जब यजीद पैदा होते रहेंगे, हजूर के और दीन के दुश्मन पैदा होते रहेंगे, रब कायनात गुलाम हुसैन की शक्ल में इमाम अहमद रज़ा ख़ान जैसी हस्तियाँ पैदा फरमाता रहता है। आपकी शायरी पर मैंने आज बात करनी है, शायरी। तो आपकी अमूमन ये जो नातों का जो ज़ौक है ना, आज आपको मिला, ये आला हज़रत का फैज़ है। आप फरमाते जो कहे शेर व पास शरा दोनों का हुसन क्यों कर आए। कहते हैं लोग कहते हैं जी ये कैसे हो सकता है, शरीयत की बात भी करें और शेर भी पढ़ें, यानी शरीयत भी रह जाए उसके अहकाम भी रह जाएं, कुरान और हदीस की भी बात रह जाए और शेर भी बन जाए और उसका वज़न भी रह जाए, उसका हुसन भी, उसका ज़ौक भी रह जाए, ये कैसे हो सकता है। फरमाते हैं ला उसे पेशे जलवा जमजम रजा के जूं। कहते उसको आला हजरत के कलाम, मेरे कलाम के सामने ला के रख, मैं उसे बताता हूँ कि ये दोनों काम कैसे होते हैं। और आप फिर फरमाते हैं कि क्योंकि मैंने जो शायरी कहाँ से सीखी है, मेरे से ये फ़न क्यों है। फरमाते हैं कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहे अहकाम शरीयत मलहूज। फरमाते हैं मैंने जो नात खानी है वो कुरान और हदीस से सीखी है। तो मेरे उनके अशआर जो थे ना, वो तकरीबन 100% कुरान और हदीस से आप जो बातें होती थी उनको शायरी का आप रंग देते थे, अपनी तरफ से कोई ऐसी बात, फिर उसके अंदर मोहब्बत और प्यार में जो आप तशबीहात और इस्तियारात का इस्तेमाल फरमाते। मैं उसकी चंद मिसालें पेश कर दूं। आपका शेर पहला जो आपका कलाम है उसमें जो पहली नज़म अमूमन लिखी होती है वो ये है, वाह क्या जूदो करम है शाह बता तेरा,
वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब ये शेर है, ये शेर कुरान और हदीस की रोशनी में सहाबा इकराम फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं, मौला अली से भी रवायत है दीगर सहाबा से कि हजूर कभी ना नहीं कहते थे मांगने वाले को। वैसे तो कलाम या किसी तहत ज़रूर के ना तो कहनी पड़ती है ना, यानी कोई मांगने वाला आया हो तो उसे कह दें नहीं, ये नहीं होता था। देना होता दे देते, नहीं देना होता तो आप फरमा देते फिर आ जाना, ना नहीं करते थे ना। मैं उस पर एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। एक अरबी आ गए हदीस की रोशनी में। अब ये शेर जो है ना, वाक्य जूदो करम है शहे बता, आप बतहा के मदीने के बादशाह कैसे हैं, आपके जूदो करम ऐसा है उसकी भी आप अल्लाह फरमाते हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। बड़े बड़े सखी होते हैं फिर भी वो ना तो कह ही देते हैं ना, क्योंकि उनके ख़जाने लिमिटेड होते हैं। दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो अरबों रुपये वक्फ़ कर देते हैं, अरबों डॉलर्स वक्फ़ कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कोई देखा होगा जिसने आसमानों के भी सौदे कर दिए हों। तो मेरे आका की वस्ती है जो ज़मीनों के भी सौदे कर देते थे, आसमानों को भी कर देते। हज़रत ज़मीन का सौदा पहले सुन लें, देखो जी बादशाह आपने जो अनसार थे ना, जब बहरैन फतह हुआ तो आपने फरमाया कहते हो तो बहरैन तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पूरी रियासत थी, क्यों जी क्या थी पूरी रियासत, फरमाया कहते हो तो बहरैन तुम्हारे नाम कर देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हजूर, अगर करनी है तो पहले फिर हमारे मुहाजरीन भाइयों के नाम करें। फिर इतनी ज़मीन है लिल्लाह वाले रसूल ही, सारी की सारी ज़मीन किसकी है, तो जब अल्लाह और उसके रसूल की, और सखी भी फिर मुस्तफ़ा जैसा हो, बनाया भी फिर खुदा ने हो। आगे बढ़े जी, एक मिसाल, एक साहब एक अरबी आ गया, अरबी समझते हैं जैसे देहाती आदमी, अरबी देहाती आदमी को वो अरबी कह देते हैं अहदीस में, होते वो सहाबी हैं। तो उसने आगे अर्ज़ की हजूर मुझे कुछ अता फरमाए, तो आपने सहाबा फरमाते हैं कि हजूर की आदत ही देना होता दे देते, ना नहीं कहते थे, ना नहीं सुनता ही नहीं, नहीं आला हजरत क्या कहते हैं, नहीं नहीं सुनता था आपके पास आने वाला। तो सहाबा नहीं नहीं कहते थे, वो कहे हजूर चुप हो गए, वो बार बार कहे जिन्हें हजूर मुझे कुछ दें, हजूर मुझे कुछ दें, हजूर मुझे कुछ दें। सहाबा कहते हैं पहले तो हमें बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या कर रहा है, तो हजूर को जलाल आ, फरमाया मांग क्या मांगता है ए अरबी, मांग, ये मुतलकन कह दिया जो मांगना है मांग रहा है, जैसे हम कहते हैं ना जी जो मांगना है, फरमाया मांग क्या मांगता है। सहाबा कहते हैं हमें बड़ा रक्ष आया, हमें कहो ये बड़ा खुश नसीब है, काश इसकी जगह पर हम होते। सहाबा ने क्या दिल में सोचा, काश इसकी जगह पे हम होते। फरमाया मांग क्या मांगता है, कहा हजूर एक ऊंट गल्ले से भर के दे दे। आपने कहा और मांग, ये हजूर एक और पे भर के दे दे। सहाबा कहते हमें बड़ा अफसोस हुआ, मांगा भी मुस्तफा से क्या मांगा, ऊंट खुराक वाला। ये था सहाबा का कीदा, कहा जी अब वो देना और है, जब माले गनीमत आया हो बांटना और है, पेट पे पत्थर बांधने और हैं। सहाबा ये वही सहाबा हैं जिन्होंने हजूर को आके दिखाया, हजूर ये देखें पेट पे पत्थर बांधा है, तो हजूर ने कपड़ा उठाया तो दो पत्थर बांधे हुए थे। वो और है, वो कैफियत और वो शान और है। अब वही सहाबा कहते हैं हमें बड़ा अफसोस हुआ, मांगना था तो मुस्तफा के पास ऊंट। फिर हजूर ने खुद फरमाया कहा ये अरबी तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बुढ़िया से भी गया आया है। फिर बुढ़िया का वाक्या हजूर ने सुनाया, किसने हजूर ने सुनाया, हदीसे सही में मौजूद है। तो हजूर ने क्या फरमाया, ये अरबी उस बूढ़ी औरत से भी गया आया आया था आकाए मूसा के पास, अरे बड़ी बूढ़ी सियाणी थी, जन्नत में पड़ोस मांगा, इसको चाहिए था आके मोहम्मद अरबी का पड़ोस मांगता। क्या मांगता, आया था तो ऊंट मांग लिए। तो बहरहाल आला हज़रत फिर क्या कहते हैं, नहीं सुनता ही नहीं मांग धारे चलते। अब इस ये इतनी बड़ी सखावत है ना, क्यों जी कितनी बड़ी सखावत। और हातम ताई के बेटे ने कहा जी मेरा बाप बड़ा सखी है, मेरे बाप के घर के 7 दरवाजे थे,
जब कोई फकीर एक दरवाजे से आता देता, फिर वही फकीर दूसरे से तीसरे से सातों दरवाजों से आके मांगता, तो मेरा बाप उसको कुछ ना कुछ देता। तो मौला अली ने फरमाया कि मेरा आका इतना सखी है कि जब एक मर्तबा दे देता है, दूसरी दफा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक ही लफ्ज़ में कह देता, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, जब चाहे जिसको चाहे जन्नत अता फरमा दे, इतना देता है, फिर उसके बाद मांगने की। अब इस पे वाकयात तो बहुत हैं, लेकिन इतनी बड़ी सखावत को आला हजरत क्या कहते हैं। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। ये जो तुम दरिया समझ रहे हो ना, कितनी बड़ी बात है जी। ओ भाई, ऐसे दरिया, हज़ारों दरिया उस जन्नत में होंगे जहाँ वो बूढ़ी औरत होगी और हजूर के ग़ुलाम होंगे। कई दरिया, ये दरियाओं की औकात ही कोई नहीं इस दुनिया। आखिरी जन्नत की जन्नत इतनी बड़ी होगी कि इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। तो मेरे अबू बकर की जन्नत कैसी होगी, मेरे उमर अली अशरा मुबशरा सहाबे बदर और खंदक और हुनैन और जमी सहाबा की जन्नत कितनी बड़ी होगी। हैं जी, तो फरमाते हैं धारे चलते हैं अता के, ये है कतरा तेरा। हजूर, ये आपकी सखावत का तो कतरा है, ये तो कतरा। तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। आपको ये बड़े बड़े जो तारे नज़र आ रहे हैं ना जी, जन्नत दे दी, ये तो हजूर की सखावत का जर्रा है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व महब में नहीं तेरा। कहते मैं तो मालिक ही कहूँगा, जिसको तकलीफ़ होती होती रहे। हकीकी खुदा, हकीकी मालिक तो खुदा है, लेकिन कहते मैं हजूर को भी मालिक ही कहूँगा। क्यों? कहते अल्लाह के महबूब हैं, जब महबूब व मुहिब में नहीं मेरा, महबूब व मुहिब में तेरा मेरा नहीं होता, समझे ना। है सब खुदा का, वल्लाहु युती इन्ना माना कासिम। हजूर फरमाते हैं जो कुछ किसको मिला है वो देने वाला खुदा है, लेकिन बांटने वाला मुस्तफ़ा है। बांटने वाला मुस्तफ़ा नेमते बांट। फिर आला हजरत फरमाते हैं दूसरे कलाम पे, मैंने वो उसको बताना है आला हजरत की शायरी कुरान और हदीस की रोशनी में, और इश्क कैसा था। माते नेमते बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। कहते हजूर जिधर जाते थे ना, पीछे पीछे फरिश्ते अपने नोश्ता ले के भागते थे, हजूर किसके हिस्से में क्या लिखते हैं, किसको क्या अता करते हैं। किसी को 1000 ऊँट, किसी को 100 ऊँट। और सुफान बिन उमैया था, तलवारों से बाज ना आया है जी। जब हजूर ने उसको पूरा मैदान ऊँटों और बकरियों से भरा हुआ दे दिया, हजूर की सखावत दे के मुसलमान हो गए। तो हजूर के साथ क्या था, मुंशी रहमत का, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लेकिन आला हजरत आगे बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं आज ले इनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे जो कयामत में अगर मान गया। क़यामत में तो सब ने मान जाना, अबू जहल ने भी मान जाना, उतबा शैबा। हजूर को देख कर, अहदीस के अंदर है, रब की रहमत को देख कर शैतान को भी बरोज़े क़यामत उम्मीद होगी कि हो सकता है आज मेरी भी बख्शिश हो जाए, आज मेरी भी, शैतान भी। तो रब की रहमत कौन है, अमार सल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हजूर रहमत है। तो आज माने, जो आज नहीं मानेगा फिर क़यामत के अंदर सौदा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उस दिन कहते रहे जी हम तो मानते थे, बड़ा मानते थे, जुबानें बोलेंगी, जिस्म के अज़ाब बोलेंगे, बाल बोलेंगे, रुआ रुआ गवाही देगा। नहीं या अल्लाह, हजूर का मुनकर से ना सुन के इसका परेशानी होती थी, हजूर के फजाइल सुन के ये कहता था हदीस ही है, ये हदीसें पूछता था। फिर आकर ऐसे हदीसें सही भी दिखाएं तो कहता मैं मौलवी नहीं जाके पूछना है।